यशोधरा राजे सिंधिया हमारे साथ में मौजूद है। और एक अगर बात करें तो एक बड़ा यशोधरा जी सिंधिया जी की बीजेपी में ज्वाइनिंग कैसे देखते हैं, जिस पार्टी की नींव राजमाता ने रखी हो पोते की उसमें वापसी? एक बहुत बड़ा दिन है परिवार के लिए। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी कल रात को, आज भी, कि ये दादा के समय में हमने सोचा था कि दादा आएंगे जब उगते हुए सूरज से वो लड़े थे। दूसरा कदम था कि बीजेपी ज्वाइन करें, पर वो हुआ नहीं। तो आज उनके सपने शायद पूरे हो गए, मुझे नहीं पता, पर हमारे तो सपने पूरे हो गए कि हमारा परिवार अब एक हो गया। की सरकार बनी, एक बड़ा चेहरा जो फ्रंट में था, जिसको सबसे पहले दिखाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी वजह से लोगों ने वोट किया ये कहा जाता है, और मैंडेट भी लगभग उन्हीं के साथ गया था, पर लेकिन सवा साल के दौरान जो घटनाक्रम रहे, क्या लगा कि 18 साल का साथ छोड़ना कितना मुश्किल कदम रहा होगा? वो तो आपको पूछना पड़ेगा उनसे, हम तो सिर्फ कह सकते हैं कि घर वापसी हो गई, हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस के जो नेता कल तक महाराज कहते थे, ट्वीट कर रहे हैं 1857 की याद दिलाते हुए और तरह तरह की बातें, और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का ट्वीट आया, उनका कहना है कि होली के दिन असली रंग दिखाने के लिए शुक्रिया। जब सब विकल्प निकल जाते हैं हाथों से तो फिर ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फ्यूचर माने जाते थे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, जब जब जो भी नाम चलता था दावेदारों में, एक नंबर दो नंबर की जुड़ाई कही जाती थी कि राहुल गांधी के साथ में हमेशा उनका नाम का चर्चा होती थी। बीजेपी के अंदर क्या भविष्य देखते हैं आप, क्योंकि आप देखते हैं पार्टी जो है बीजेपी, शीर्ष नेतृत्व को डिसाइड करना पड़ेगा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, पर नौजवानों का समय है और वो यंग है, ये हमारी यंग लीडरशिप है, नौजवानों की लीडरशिप होगी। बहुत बहुत धन्यवाद यशोधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआएं, और सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी नेतृत्व जो उनका रोल डिसाइड करेगा वो रोल डिसाइड होगा, पर लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी और कांग्रेस के मंत्रियों ने ट्वीट किए उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर नसीहत दी है कि पहले सिंधिया परिवार का इतिहास पढ़ें उसके बाद कोई बात करें। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल।